बहुत दिनों के बाद याद किया कंस ने। महाबली कंस, क्या आज्ञा है? एक बालक के रूप में आए हुए मेरे काल को मारना है। केवल एक बालक? महाबली कंस, मैं पूतना हूँ, पूतना, पृथ्वी की एकमात्र स्त्री जिसके शरीर में दूध नहीं विष बनता है, विष। रुको, मेरा काल तो केवल एक ही बालक है, परंतु वो साधारण बालक नहीं है। ये दुर्गा ने स्वयं मुझसे कहा है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है तुम्हें सबको मारना है। अब आएगा आनंद। सुना है तोला गांव में एक राक्षस 2 बच्चों को उठा ले गया। हे भगवान, महाराज भी हमारी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चंपा, कृष्ण को सुधा देख रही है ना? हाँ यशोदा मैया। उसे बोल कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। बोल दूंगी। अभी तो हंस खेल रहा था, अचानक क्या हो गया कृष्ण? ठीक है, मैं यशोदा मैया को बुलाती हूँ। सुधा, घर का द्वार बंद कर दे, घर में कोई पुरुष भी नहीं है। आप कौन हैं देवी? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। यहाँ से निकल रही थी तो मुझे आपका ये सुंदर बालक दिख गया, इसीलिए आशीर्वाद देने चली आई। आप तो जानती होंगी कि आजकल बहुत से राक्षस बच्चों को चुरा कर उन्हें मार रहे हैं। मेरे दूध में अमृत है, यदि आपका बालक मेरा दूध पी लेगा तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पी ले मेरे बच्चे, पी ले, मेरे दूध में अमृत है। मेरा दूध पीकर तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। किसी को पकड़ रखा है। अरे कोई कान्हे को बचाओ। कान्हा,
देखो कृष्णा क्या गिरा है। कृष्णा 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 मेरे लाल